ने अपनी 13 सूत्र मांगों को लेकर माधोगढ़ तहसील के परिसर में हड़ताल करते हुए धरना दिया है। उसके बाद एसडीएम के मनोज सागर ने भी कार्य अभिषेक कर ज्ञापन सौंपा। प्रांत के कार्यकारिणी के आह्वान पर भी लेखपाल ने संघ अपनी मांगों को लेकर आंदोलित किया गया। एसपीआई संगीत के वेतन में उच्चीकरण के पेंशन में संगीत में जैसी 13 मांगों को लेकर लेखपालों के कार्य में विरूपित होने का धरना प्रदर्शन किया है। और इस दौरान अध्यक्ष संदीप सिंह, मंत्री बलराम प्रजापति, अभय सिंह यादव और तपस्या गौतम, मंगलनाथ गोस्वामी और उदय तिवारी, मंसूर खान, मनीष आर्य, निशा यादव आदि सभी लेखपाल मौजूद रहे हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांतीय आह्वान पर विगत वर्ष जो हमारा धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर चला था, उसमें प्रांतीय सचिव से हमारे प्रांत के पदाधिकारियों ने वार्ता की थी। उन्होंने सहानुभूति पूर्वक ये कहा था कि हम आपके सहर्ष सदैव सारी मांगें स्वीकार कर रहे हैं, आप अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दीजिए, हटा दीजिए, अब हम आपकी सारी जो जायज मांगें हैं उन पर शासनादेश क्रमबद्ध तरीके से समय समय करते चले जाएंगे, जिनको पूरा होते हुए समय होते हुए एक वर्ष पूरा हो गया। जब तक उन्होंने सिर्फ दो मांगों पूरे की हैं, एक तो लैपटॉप और दूसरा उन्होंने मोबाइल फ़ोन दिया है। मोबाइल फ़ोन भी जो दिया है उसमें ना कोई नेट व्यवस्था है, ना सरकारी कोई उसमें चिप या सिम है, ना ही कोई बैलेंस है। ऐसी स्थिति में अब हम लोग अभी क्राफ्ट फिटिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य को भी करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। हालांकि हमारी मांगों प्रमुखता की मांग थी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करना। हमारे जो नए साथी हैं उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत यदि पेंशन नहीं मिलती तो क्या होगा आगे चल के। घर में 15 दिन तो आदमी इस प्रत्याशा में, बजट के प्रत्याशा में चलता रहता है कि अभी हमारे पेंशन हमारे पुरखे को, हमारे परिवार के सदस्य को, हमारे पिता को या हमारे बाबा को मिलेगी, 15 दिन बाद मिलेगी। और 15 दिन बाद जब पेंशन नहीं मिलती है, जैसे पेंशन 15 दिन, वो 15 दिन पेंशन आने के बाद काम चलता रहता है। अगर हमें पेंशन नए साथियों को हमारे को नहीं मिलेगी तो इनका आगे चल के कैसे इनका परिवार चलेगा, कैसे बच्चों की शिक्षा दीक्षा होगी। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक एमएलए और एक एमपी जो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है या शपथ ग्रहण समारोह होने के तुरंत बाद ही अगर विधानसभा या संसद भवन से वो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है या विधानसभा भंग हो जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है और उन्हें 5 साल के आजीवन पेंशन मिलती है, तो हमारे समस्त सरकारी कर्मचारी साथियों को, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो अमीन हो, चाहे वो किसी विभाग का कर्मचारी हो, सबको पुरानी पेंशन व्यवस्था ही बहाल सरकार करें। और हमने ये फैसला अपनी मर्जी से नहीं लिया है, हमने फैसला लिया है हमारे प्रांतीय आह्वान पर, हमारे प्रांत के पदाधिकारियों ने। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती, जो आज आप 13 सूत्री मांगें पूरी कर रहे हैं, तो फिर आगे आप क्या करेंगे? हमारे प्रांतीय पदाधिकारी जो दिशा निर्देश देंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई हम तय करेंगे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।